नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। गत दिनों जयपुर के केसर हायर सेकेंडरी के बच्चों का ग्रुप आबू रोड में भ्रमण करने आए, उसमें से दो बच्चे की बनास नदी में डूबकर मरने की घटना सामने आई थी, जिसमें परिवार को हुई क्षति का हर्जाना और उचित मुआवजा दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए राष्ट्रीय मजदूर फेडरेशन की सचिव एडवोकेट शहनाज खोकर ने जयपुर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और परिवारजनों को मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। मैं शहनाज खोकर, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर फेडरेशन इंटर की प्रदेश सचिव, पिछले माह रेवदर आबू रोड विधानसभा क्षेत्र के आबू रोड नगर में स्थित साईं बाबा मंदिर के पास बनास नदी में जयपुर निवासी व टोंक निवासी मदरामपुरा जयपुर के केसर विद्यालय के दो विद्यार्थियों की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी, जिसके परिवार को सांत्वना और ढढ़ास बनाने हम जयपुर पहुंचे। उनके परिवार को हमने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग सरकार से की है और उनके परिवार को इस क्षति के लिए मुआवजा दिलाने के लिए सरकार को हमने आह्वान किया है।